सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको 25 अप्रैल के लिए क्या लेकर चलना होगा, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं वेडनेसडे मार्केट में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स की तरफ जो कल के मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाय या सेल साइड में। ICICI प्रूडेंशियल, ऑरोफार्मा, जिंदल स्टील, रिलायंस और इन्फीबीम, ये 5 स्टॉक्स बाय और सेल साइड के रिकमेंडेशन में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ICICI प्रूडेंशियल बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 424-431 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 411 का लगा के चलना होगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी और आखिरी में वो इंपॉर्टेंट बात ज़रूर सुनिएगा। ऑरोफार्मा सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 631-625 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 643 का लगा के चलना होगा। जिंदाल स्टील बाय करने की सलाह दी जाएगी, हमने देखा था कि मार्क जब स्टील का सेक्टर्स की जो कंपनीज थी वो गिरी जा रही थी क्योंकि जब US की तरफ से बयान आया था, पर हमने देखा कि आखिरी के कुछ घंटों में हमने जिंदाल स्टील में सबसे ज़्यादा रिकवरी आते हुए देखी है। और अगर ये कल स्टील और मेटल पैक नहीं गिरते हैं तो शायद ये और ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय करने की सलाह दी जाएगी 257-261 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 249 का लगा के चलना है। रिलायंस इंडस्ट्री हमने देखा आज इसने बहुत अच्छी अप मूव दी है, हमने देखा था कि जो जियो के जो रिजल्ट आने थे आने वाले हैं अभी से वो मान लगा लिया कि बहुत अच्छे आने वाले हैं, और एक महीने में ही उनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जो अनुमान से ज़्यादा हो चुके हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री एक अच्छा वैल्यू पिक रह सकती है। हमने देखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, और अगर हम बात करें तो हमारी मार्केट जो ऊपर की तरफ खींची जा रही थी वो IT सेक्टर की कंपनीज थी, पर अब हम देख सकते हैं कि IT सेक्टर के अंदर दबाव आना शुरू हो गया है। अब रिलायंस इंडस्ट्री थी आज जिसने हमें निफ्टी को सपोर्ट दिया और 10,600 के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ऊपर तक तो जा चुका है जितना उसे नहीं जाना चाहिए था, कल शायद उसमें हम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख ले अगर नहीं आती और थोड़े डिप्स में मिलता है, वरना अगर आपको स्टॉप लॉस के बिल्कुल आसपास मिलता है, स्टॉप लॉस के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के आसपास मिलता है अगर आपको, तो आपको उसमें खरीदारी करनी होगी। टारगेट आपको 976-981 के मिल सकते हैं। वैसे स्टॉप लॉस इसका जो करेक्ट बैठ रहा था सपोर्ट के आसपास बिल्कुल 960 का बैठ रहा है, पर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप इतना दूर का स्टॉप लॉस शायद ना मेंटेन कर पाए, और अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इन्फीबीम सेल करने की सलाह दी जाएगी, इसमें हमने देखा था ऊपर के लेवल्स बने थे पर आखिरी में इसमें भी मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है, 168-165 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस इसको 173.15 का लगा के चलना चाहिए। अब मुझे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इन दोनों सेक्टर के अंदर हम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आने वाले इस एक्सपायरी के अंदर अंदर तक देख सकते हैं, यानी कि कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर हम शायद इसमें मुनाफा वसूली देख ले IT और फार्मा के अंदर। और अगर वो मुनाफा वसूली आ जाती है तो पूरे के पूरे मे सीरीज में भी हम मुनाफा वसूली वो कंटिन्यू होती हुई देख रहेंगे, और शायद वो कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकती है। तो अब परसों है एक्सपायरी, तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर तक जा सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कल मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है जिससे आप कमा सकते हैं दमदार कमाई। निफ्टी को बात करें तो निफ्टी को बाय करने की सलाह दी जाएगी, जिस तरीके से उसने 10,600 के लेवल को तोड़ा और सस्टेन करने की कोशिश करी है, हम देख रहे थे आखिरी में मुनाफा वसूली आने की कोशिश करी पर उसने 10,600 को सस्टेन कर लिया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो 10,610 के आसपास आएगा वहीं उसने क्लोजिंग दी है, वो है उसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बिल्कुल वहीं जाके उसने क्लोजिंग दी है, एट द लाइन उसने क्लोजिंग दी है। अब वो रेंज कहाँ तक बन सकती है, उसके ऊपर जाने की संभावना है कि नीचे जाने की संभावना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर वो 10,550 के लेवल को वापस टेस्ट करके क्लोज करती है उसके नीचे या वहाँ पर क्लोज करती है तो हम कह सकते हैं कि और नीचे के लेवल्स बनते हुए आने को मिल सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि हमेशा 100 साइड की पुट और कॉल्स में ही
ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है, पर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है 10,600 की पुट राइटिंग में, और 10,650 की कॉल राइटिंग में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे कम ओपन इंटरेस्ट जुड़ते थे 50 पॉइंट्स के साइज में, पर हमने देखा कि 10,650 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और अगर कल निफ्टी 10,650 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है और थोड़ी देर सस्टेन कर देता है, हमने देखा था कि आज निफ्टी ने 10,640 का टॉप बनाया, उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, और अगर कल निफ्टी 10,650 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो सीधा हम 10,700 10,750 के टारगेट इस एक्सपायरी के अंदर ही देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है हमारी मार्केट को। बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा है कि वो ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो मैं एक रेंज आपको बता देता हूँ कि 24,760 और 25,400, ये एक रेंज है जो बैंक निफ्टी ट्रेड में रह सकता है। मैं अभी आपको कन्फर्मली नहीं कह पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी किस साइड जाएगा। कल अगर मार्केट निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और इसमें आखिरी के मिनटों में मुनाफा वसूली नहीं आती है और अपने टारगेट के साथ ही हिटे रहता है, तो हम कह सकते हैं कि 25,400 का लेवल भी हम इस एक्सपायरी के अंदर आते हुए देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक क्लीन ब्रीफ सिंपल से एक्सप्लेन कर दिया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज क्या बन सकता है। एक बात और अगर मैं आपको बताऊं तो $65 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल जा चुका है, और वो हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारी मार्केट उसकी वजह से हमारी खुद के जो हम परसेंट है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो हमारी मार्केट को इफेक्ट ना करे पर हमें हमारी कंजप्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें वॉच करके रखना पड़ेगा। अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है, अगर डिप में आपको मिलता है तो क्रूड ऑयल को आप बाय करके चल सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आपको 80 डॉलर पर बैरल तक जाते हुए ज़रूर देखेगा। अगर कोई डिप आती है तो बाय ज़रूर करिए, और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कल या परसों तक डिप आ सकती है, तो आप उसको भी वॉच करके ज़रूर चलिए। और अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट बात की, तो HIV वीज़ा जो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था जब लगा था, तो उसे ख़त्म कर दिया था, उन्होंने बंद कर दिया था इस टॉपिक को, पर US ने वापस HIV वीज़ा को लागू कर दिया है, और उससे जो भी वर्कर्स IT वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके जो फैमिलीज हैं उन्हें कोई भी हम कह सकते हैं सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो उसकी वजह से एक ख़राब खबर आ सकती है IT सेक्टर के लिए ऑल्सो, तो उसे भी कल हमें वॉच करके चलना चाहिए। और अगर एक और बात आपको मैं बताना चाहूँ, वो दूसरी बात ये है कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं US डॉलर की, वो 52 वीक हाई को टच कर चुके हैं, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो शायद हम देख पाएँ कि US मार्केट में मुनाफा वसूली आ सकती है। उसकी वजह से कल हमारी मार्केट भी शायद सस्टेन ना कर पाए और कंसोलिडेट करके नीचे जाने की कोशिश करें, तो US मार्केट को वॉच करके चलिए। उसी के बाद जो मैंने आपको ट्रेड्स बताया वो ट्रेड ज़रूर लीजिएगा अगर हमारी मार्केट मेरे कहने से चलती है, वरना मेरे एजम्पशन से चलती है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा था, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहते हैं कि आप अपने टेलीग्राम चैनल बताइए, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 14 मई यानी 14 मई को मैं टेलीग्राम चैनल अपना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जो ये 5 स्टॉक्स बताता हूँ उसकी इंट्राडे कॉल मार्केट आर्ज में भी आपको मैं सजेस्ट करते रहूँगा, कब बाय करनी है, कब निकल जाना है, और कौन से और भी स्टॉक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करते रहूँगा मार्केट आर्ज के अंदर ही उस टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिससे आप और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कौन से स्टॉक्स मैं इंट्राडे में बाय करता हूँ उसकी भी रिकमेंडेशन मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल में दूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी 14 मई को मैं अपना पेड सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ, पर पेड सर्विस आप सब जानते हैं कि जो प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत महंगे महंगे प्रोवाइड कराते हैं, 25,000 की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं पर मंथ, 30,000 प्रोवाइड करवाते हैं मंथ मंथ, पर मैं आपको एक सिंपल और इजी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपके अगर आपको मार्केट में जैसे आज ट्रेड लेना है तो आपको मेरे से कोई कॉल चाहिए, 2 कॉल्स, तो सिंपल तरीका है आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं। उस पेटीएम के जरिए अगर आप मुझे पेटीएम करते हैं, मैंने अभी अमाउंट डिसाइड नहीं करा, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे मैं आपको 2 कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा इंट्राडे के अंदर यानी मार्केट आवर्स के अंदर अंदर ही, जिसमें आप कमा सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। और अगर आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो वो जो आपने अमाउंट मुझे पेटीएम कर रखी है वो भी अमाउंट मैं आपको आपके पेटीएम अमाउंट में ट्रांसफ़र करा दूंगा, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा जो भी आपने मुझे ट्रेड दी है। और अगर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना तो आप मुझे पेटीएम नहीं कर सकते, वरना आप खुद ही समझ जाइए आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा कमा सकते हैं। तो और जानकारी मैं इसके लिए लेकर आऊँगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, जब आप मुझे अपना कमा करना होगा तब मैं आपके लिए वो वीडियो
और ब्रीफ से लेकर आऊँगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब आपको उस वीडियो में करूँगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, 1000 यानी 1000 व्यूज़ का और 1000 लाइक्स का एम ज़रूर रखते हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।